आपको ये डर बैठा हुआ था कि मैं निकाह कर लूंगा, फिर खुद ही कहती आई हो। मैंने कब कहा आप निकाह कर लेंगे? आपकी कजने सब रिश्तेदार सब कहते थे ये तो शादी कर लेगा भाई। किसने कहा शादी कर लेंगे? बातें होती थी हंसी मजाक में, जैसे आपस में बैठ के कैंटीन में। तो क्या करता भाई, तुम यहाँ मजे लेने के लिए बैठी बिल्कुल याद इसको बात करने की, इसको इधर ही उतार दो फटाफट। उतर जाए बेटा फटाफट, आज इसको बीच में दबा दे। कल मैंने पता क्या देखा? क्या उसके ऊपर क्या कहते हैं, भैंस के ऊपर गाय चढ़ी हुई थी। नहीं हां आगे हो अयाज भाई, मेरे ऊपर बैठ जाएंगे। चलो फाइनली गाइस हम लोग बैठ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, लेट्स गो। उनके बैठने की जगह नहीं है, मैं मडगार्ड पे बैठ जाऊंगा। हां जगह तो नहीं। आई अल्लाह 150 क्या अमेरिका से आई है नली लिहारी खा रहे हैं यहां। नली लिहारी नली लिहारी लिहारी अमेरिका से आई है नली लिहारी खाने हिला दिया कर क्यों यार अरे इसके बेबी हेयर्स है, जब भी कलर होता है ना, कलर होने के बाद कलर को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, वो एक से तुम्हें वॉश होता है फिर ये निकल के आता है कलर। ये लोग पागल नफ्सियाती हो गए, और इतना पीछे से इतना हसीन कलर लग रहा है इसका। कर रहे क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं देता अल्लाह जाना अपने करीब से क्या कह रही है ना, हमारे घर आई अंग्रेजन पूरी मुंह से नहीं मगर बालों से, बस अंग्रेज बहुत गोरे होते हैं, थोड़ी क्या बोल रही, ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज। फाइनली हमारी कढ़ाई आ चुकी है और मेरे खीरे भी आ गए हैं, और खीरे में जल्दी से इसमें डाल लूँ, बाकी उधर कर दो। सॉरी और ये मेरी प्लेट आ गई है, ये आज तो मत देना बिल्कुल भी, चम्मच दे दो। शॉप पे आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके अब्बू की शॉप है ये जो इस तरह खड़े हुए हैं, वो देखो कैसे मियाँ बीवी खड़े हुए। खुद ने मीठा पान खा लिया और हम लोग को कौन देगा? नहीं खाया, आपने कच्चे वाला खाया। अच्छा एक पान में ज्यादा मीठा नहीं करिएगा। कितने तुम लोग, एक दो तीन? बस एक पान में मैं तो आयत के साथ खा लूंगी। इतना तो खिलाती हो तुम? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, इतना तो खिलाती है। इतना तो खिलाती हो तुम? यार ये वो लोग हैं जो घर से निकल जाते हैं ना, भाव गरीबी की तरह मांगना शुरू कर देते हैं। दे दो दे दो भाई, सही बोल रही हूँ ना मैं? क्या रहा है व्हाट हैपेंड? जोर लगा रही है आपका बच्चा, इसके तो पहचानने को इनकार कर दिया। आज मेहंदी लगा कर सारे पान बेहतरीन, कितने पान बिक जाते दिन के आपके? अनलिमिटेड ओह पान खा रहे हैं, जो खाने बहुत महंगा वाले अभी तो डाला फेंक देंगे 30-40 रुपए हो जाएंगे, 50-60 रुपए फेंकते हैं। अच्छा पैसे वसूल करने होते भाई। सही है अंकल को मैं ढही जमीन दे।
खाओ खाने आधा चाहिए आधा आधा मुझे दो तो खत्म कर लिया पानी बाय 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 इतना लंबा है तो आंखों के चीपड़ दाब करो बोला रुक जाओ फिर रुक जाओ चीपड़ क्या होता है चीपड़ प्यार से बोला आंखों की आपकी निकल गया खैर बाद में करेंगे इसको सही है भाई बयास जा रहा है हम लोग शादी करके आ चुके हैं मैं जा रही हूँ ऊपर अजान का इंतजार करेंगे नमाज पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे कमरे में भी गर्मी नहीं हो रही है क्या हुआ सफिया बहुत बहुत शुक्रिया फोन का ओ माय गॉड मम्मा लाई है जीत के तुम्हारे लिए अम्मा ने पता है वही बोल दिया था जो फोन आएगा सफिया के पास जाएगा और किसी के पास जाएगा फिर मिल गया मुझे देख ले गाइस मैं उठ चुकी हूँ सोकर और अब जो है वो क्या सफिया बहुत खुश है कल सफिया की ईद है कल सफिया की ईद है ईदी मिल गई सफिया को अभी तो नहीं दिया ईदी दी थी मैंने मिल गई बहुत ज्यादा मिल गई टच मोबाइल फॉर सफिया एंजल ओ गाइस मैं आप लोगों को बताऊं मैं पहले फ्रंट से अपना फेस देखूंगी मुझे अपना फेस अच्छा लग रहा था देखना अच्छा तो आप लोग मेरी स्किन देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्किन पे एक्ने हो रही है ये देखें पता नहीं क्या हो गया मेरी स्किन को अजीब सी हो रही है और मेरे आगे जो है ना मैं हेयर पी आर पी करवाने गई थी और अभी कल जाऊँगी मैंने आज जाना था वैसे मैं नहीं गई कल जाऊँगी तो भाई रोज़ा खुल चुका है और मैंने रोज़ा खोल लिया है और सफिया जा रही है बाय बाय सफिया रानी अरे सफिया तुम्हारी ईद है कल तो ईद ही नहीं लेकर जा रही बाबा मारी आज ना अप्रैल फूल है अप्रैल चल रहा है ना अम्मा के साथ ना अप्रैल फूल मनाते हैं आप ना बेड पे गिर जाए हम बोलेंगे मम्मा मम्मा को क्या हो गया दिल का नहीं नहीं अच्छा अच्छा आपने किसी और से बात करें नहीं नहीं वो बोलिए किसी और से बात करें एक्टिंग करने की नहीं बाबा वाला नहीं मैं बता रही मैं कमरे में मोबाइल साइड कर लूँगी ठीक है और मैं मम्मा को बोलूँगी मम्मा बाबू को क्या हो गया बाबा बाबा अचानक गिर कर और हम आपको कहेंगे और एक्टिंग करने में तो हम माहिर हैं बाबा सही है अच्छा सही बाबा क्या हाँ बाबा ये बात हम लोग ऐसे मोबाइल के सामने नहीं करेंगे मम्मा को शक हो जाएगा मोबाइल वगैरह छुपाएंगे सही है ना डन है ना दिस इज प्लानिंग डन और आज खाने में बना है क्या इसको क्या बोलते हैं पालक गोश्त और चावल और ये बहुत मजेदार तो बाबा कश्यप अंतारी पे गुस्सा करते हुए क्या कह रहे हैं बाबा बेटा शहरी में जो है जुमले अपने बेहतर रखा करो ऐसे रोजा थोड़ी रख लीजिए आप जुमले भूल जाओगे आप कह रही हो कि पता नहीं क्या जुमला बोला इतना नावा ये कह दो हाँ शहरी की जा रही है खत्म बात तो मैंने गलती कर दी बाबा आपका जुमला अच्छा नहीं है जुमलों को अपने बाबा कह रहे हैं अपने जुमलों को दुरुस्त करो अल्लाह मेरा बच्चा पकड़े जिंदगी का तो आपके साथ है ना मेरा तो जीना मरना उठना बैठना यार हर मर्द करता है यार गलती थोड़ी की है आपने तो बोला था कि हराम नहीं करो हराम नहीं करो मतलब बंदा इजाजत लेता है बीवी से तो आपने तो बोला हुआ था कर ले कर ले तो कर ले ना आपने तो जाए यहाँ से अब तो जाए आप यहाँ से ईद तो गुजारने दो बच्चों के साथ आपके साथ नहीं नहीं मैं चली जाती हूँ अच्छा खर्चा पानी भी चल रहा है पैसा तो मैंने कहा ना आपके नसीब पे ही है जिसम भी आपका ही मैं जा रही हूँ अब आप दुआ आई या ना दुआ को बुलाना मैं जा रहा हूँ मुझे देर हो रही है यार टाइम दिया हुआ मैंने मैकेनिक
आपने जो भी कदम उठाया अच्छा नहीं उठाया, अगर सच निकला तो जब भी अच्छा नहीं होगा, झूठ निकला तो जब भी अच्छा नहीं होगा। मैंने इनको इन्होंने बोला था आपको इजाजत है, आप जहाँ घर बसाना चाहते हैं कुछ नहीं, मेरे साथ तो कर ले कर ले, मैंने इनका कदम उठा लिया। मजाक कर रहे तुम्हारा साथ, उनका साथ दे रही हो ना, उनका तो तुम अभी अब मैं तो मजाक करने क्या हो गया आपका, इतना सीरियस क्यों हो गया? वो सीरियस है बहुत। रोज छुप छुप के मोबाइल चलाओ, इधर करो उधर भागो, इधर भागो इधर भागो। तो आपको ये डर लगा हुआ था कि मैं निकाह कर लूंगा निकाह कर लूंगा, फिर खुद ही कहती आई हो मैंने कब कहा निकाह कर लेंगे, आपकी कजने सब रिश्तेदार सब कहते थे ये तो शादी कर लेगा भाई, ये कर लेगा, किसने कहा शादी कर लेंगे, बातें होती थी हंसी मजाक में, जैसे आपस में बैठ के कैटरिंग में निकाह कर लेंगे, क्या करता भाई तुम, यहाँ मजे लेने के लिए बैठी आपने खुद ही बोला था कि मैं परेशान हूँ, आप परेशान रहते हैं तो आप घर बसा ले पृथ्वी को, आप खुश नहीं, वैसे उसके दांतों में दर्द था और दांत और निकल आएगा, पीछे के बैठो भाई थोड़ा, तो निकल ही है कोई गुना थोड़ी है, क्या दूसरी माँ लेके आए मेरी, हाँ ना दुआ के सर में तेल लगाएगी, पैरों की मालिश करेगी, इस माँ से तो सुकून है, अंडा ऑमलेट बना के देगी, अंडे तल के देगी, दम रोटी देगी, पराठे देगी, खाने देगी, लाने की देर है बस, तो फिर मैं नीचे कमरे खाली है ना, नीचे रखो माना, मैं किस तरह जिएंगी, जहाँ आप सोच रही थी वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ एज भी कम हो 35 के बड़ी हो सकता है, 15 साल की लड़की लेते ना आपको, क्यों लेता भाई अल्लाह ना करे, क्या हो गया आपको, मैं पूरे रास्ते पर क्या हुआ? बाबा ने शादी कर ली है और दुआ कह रही है निकाह तो किया है, कोई गलत कोई किया है, कबाल इस्लाम में जाएगी तो आपको तो सवाब मिलेगा भाई, बेटा मेरे बीवी की इजाजत लेना पड़ेगा, सारे चुप, मेरे शोर के लिए चार के बराबर नहीं, मैं तो ये मेरे अंदर सारे गुण है मम्मा, गुण है अब कॉल जैनब के शादी निकाही तो किया है अम्मा, निकाही तो किया है खाली अम्मा, और आयत भी निकाह तो किया है खाली, किसने है इन्होंने, अच्छा कराया भी अब्बू के काजी ने, मरने की बात अम्मा हमारे हमारे घर में, अच्छा कभी तो ये सुबह सुबह निकल जाते हैं और कभी कभी शाम में भी गायब हो जाते हैं, तुम कहाँ जा रही थी, वो तौलिया ही मौत रहते, तो भाई इसको टाइम तो दे रहा हूँ ना, उठना बैठना लाना ले जाना कपड़ा लत्ता सारा, तो आप लोग मुझे व्लॉग पर डालते तो वो भी तो देखती हूँ ना, मैं अच्छा वो आती है मां देखने में, तो आती है मां आपको तरसती है, आपको देखने के लिए तरसती है, अरे नहीं बात करने के लिए की बनती है, सारी बातें मसले में आप हैं क्या जो आपको तरस रही है, मैं तो नहीं रो रही, तो हॉस्पिटल जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में, बाबा के साथ मुझे छोड़ने जाएंगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ मजाक ही बता रहा, सब कुछ सही हो जाएगा देख लेना, आप जाके ऐसे रूम में बैठे और कूल हो जाइए, बाहर नहीं आइएगा, खत्म बात, मैं जा रहा हूँ काम से, काम से नहीं वहाँ जा रहे हैं, उसके पास भी पता है, मैंने अपनी बीबी को बता दिया है, तुझे बता रही हूँ, तो तेरी सोच है, कहना चाह रही है कि मैं हम लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक मजाक में पापा सीरियस होकर कर लेंगे, ये कह रही थी निकाह को आसान बनाओ, ये मामला खत्म करवाओ, ये कर मजाक कर रहे ना, हम तो वीडियो बना रहे हैं, अब पता है सच में निकाह कर लिया, तो क्या करता भाई,
रोज नाराजगियाँ रोज झगड़े तो अंधा क्या करे। अंधा क्या करे, अंधा चाहे तो आके पापा चाहे तो एक आंख आपके पास एक आंख उधर ले। हाँ सही है, सही है, बहुत अच्छा प्रैंक हो गया आप लोगों का। तो भाई सवाल मिलता है प्रैंक में पापा के साथ कर रही थी, पापा सीरियस है बता रहे मुझे सीरियस। अब मम्मा को निकाहनामा दिखा दे। आप बेफिक्र रहे हैं यार, अम्मा मजा नहीं आया। मैं शालम अम्मा कह रही है हट गया कैमरा, लेकिन ये मजाक नहीं है, ये हकीकत करेंगे क्योंकि मम्मा जो है ना सारा इन्होंने व्लॉग का सत्यानाश कर दिया। अप्रैल फूल था हम वो मना रहे थे, अप्रैल फूल में मैं हॉस्पिटल चली जाती और तुम लोगों का अप्रैल फूल हो जाता। आपकी कभी मैंने कोई बात टाली है? मतलब कौन सी टालना चाह रहे हैं आप? अभी आप कह रहे ना कि ये कर लेंगे कर लेंगे, तो अब ये बात निकाह करना चाह रहे हैं। अरे तुमकी बात तो पूरी रखूंगा मैं। कौन सी बात? यही ना कि निकाह कर लेंगे निकाह कर लेंगे। देखो देखो प्रपोले फूट रहे उनके। कब बोले बाबा 26 साल गुजार दिए सर्दी गर्मी धूप में मट्टी में हर तरह से, टीन की चादर सीमेंट की चादर किराए के मकानों में, यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो लेके तो भाई दारी बात। अभी बोलू 26 साल में 32 औरतें आई हैं आपकी लाइफ में। अरे तो राशन लेने आई है भाई, वो तो आती है कमाती जिंदगी में यार। का आलम ये हो गया है कि 250 बीवी पहुंच, ये व्लॉग शुरू नहीं बनाओ यार, अभी दिमाग अपने मसले मसाइल के लिए आती रही है। प्रैंक प्रैंक में हुआ असली हाथ मम्मा को चा पड़ गया थोड़ा। ये बता हमने मुझे क्यों इतनी जोर से चमार दिया? तुम्हें मजा लग रहा था कि बाप की निकाह तो किया है तो फिर लड़ती क्यों रोज? अरे मैं इनसे कब लड़ी हूँ? सोते रहते हैं उठते नहीं है, मोबाइल में लगे पहले अखबार पढ़ता तो वो छुड़वा दिया, लिखने का लिखता वो छुड़वा दिया, रिश्तेदार सब आना जाना मैंने खत्म कर दिया। मैंने कहा आपको भी वक्त दूं भाई लाना ले जाना, ये सुनिए क्या अब उसको ले जाएंगे लाएंगे। खराब हो रही है अभी डबल सीट बनवा रहा हूँ, ये पीछे बैठेंगी वो भी पीछे बैठ जाएगी, वो पीछे बैठेगी नहीं फिर आते हैं पीछे बैठेगी। मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम्हारा मजाक हो रहा है और ये अपने सब अपने अरमान निकाल रहे हैं, और ये करके दिखा देना तुम्हें देखना, फिर तुमसे मैं पूछूंगा ना मैंने तुम्हारे को मारा उसको मुझे जिंदगी में मैंने ये काम कभी किया ही नहीं, मारने मराने वाला, अपना सिक्का खोटा परखने वाले को दोष नहीं देते। मेरा सिक्का मैं कहाँ से खोटा हो गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मैं कहीं से खराब ना था। आपको बहुत सीधे और भोले मेरे बाबा, बहुत सीधे, मतलब मुझे नहीं पसंद है, मुझे उनके साथ बिल्कुल तमीज से पेश आई है। दूसरी मम्मा ही ला रहे भाई, वो इनके आएगी सही है बेटा, तुम्हारा भी लाएगा वो आएंगी, इनके पैर पे आएंगी, वो आएंगी मोहतरमा इनके पैरों में तेल लगाएंगी। ओ माय गॉड अम्मा और क्या चाहिए, सौतन आपके पैरों में तेल लगाएगी। हाँ हाँ करेगी भाई, सब बातें हो गई मेरी, सब लिखत पढ़त में सब हो गया, प्यार करेगी तो मम्मा के कितने जोड़े बनाए इस ईद पे आपने? हाँ ये सवाल करो वहाँ डब्बे भरे पड़े हैं, ले ले कोई सा, कहाँ डब्बे भरे पड़े? अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं से मैं नहीं नहीं बताए आप कहाँ डब्बे भरे, बोले 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 सब सब ये सब कुछ भी होता है। शोहर शोहर सारी जरूरियात जब तक नहीं थे आपके हालात तो नहीं बोला, बहुत सीरियस हो रहा है मैंने कभी नहीं बोला आपको, लेकिन अभी आप ना नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्या करो अल्लाह, मैंने जितना शुक्र अदा किया है ना मैं कहती हूँ अभी भी करो, मैंने आपसे बोला ना मैंने जितना शुक्र अदा किया ना शायद किसी ने शुक्र अदा किया होगा ना, मैंने बहुत शुक्र अदा किया, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया और अब आप मुझे नहीं तपाएं कि वीडियो वीडियो तो जो भी है, मैं नहीं चाहती कि किसी के सामने मेरे घर के मामला था। मैंने कभी आपकी जिंदगी का बंटवारा किया ऐसे कभी? किसका किस तरह आप जो कह रही हो कि मैं निकाह कर 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 बाबा के मुंह से ही नहीं निकल रहा, अंदर चले गए सारे अल्फाज अंदर चले गए, रास्ता छोड़ कर रखो मेरे लिए आए बाबा, मैंने रास्ता पीछे से छोड़ा हुआ, आप यूं भाग के सबसे पहले यही मरवाएगी आगे पलट जाएंगी, मैं आपके पैर पकड़ लूंगी यही मरवाएगी आपको, देखिए भाई पोजीशन है पूरा काम। इसकी ये कह गया मेरी दो दो दादी, मेरी दो दो दादी, मेरी दो दो दादी, आप क्यों खुश हो रहे हैं इसकी दो दो दादी पे इतना? बता रहा हूँ मेरे दो दो बाप
नहीं गुना है, गुना वो वाली बात। दो दो बाप, दो दो दादा, और अब तो दो दो दादा जीने के लिए आ गया। मर्द को है वो स्ट्रक्चर, इसको संभाल के रखेगी औरत को, इसको भी संभाल के रखेगी। जैनब को पटा, औरत नहीं कर सकती भाई मर्द को। आप मेरी बात सुनो, औरत को नहीं है मर्द को है। आप इस्लाम की रोजे देखो, औरत निकाह में होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती, मगर मर्द कर सकता है। क्यों कर सकता है ऐसा कदम जो है? हमारा इस्लाम कहता है, आप ये नहीं बोले, हमारा इस्लाम कहता है करो शादी, अब मेरी तरफ से भी इजाज़त है, लेकिन आप पहले इस घर को पूरा करो, फिर उसके बाद आप किसी को ला के तकलीफ़ में नहीं रख सकते, आपको ये हक ही नहीं है। मैं क्यों फाहम की शादी के लिए, मैं कहती थी फाहम अपने पैर पे खड़ा हो जाए तब मैं फाहम की शादी करूँ। मैं तो अपने पैरों पे अल्हम्दुलिल्लाह सब जगहों से खड़ा हुआ भाई, आपसे कुछ भी ना सोचा। अल्लाह 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 भाई, अम्मा माफ़ कर दे, मेरे बाबा मनाने आए, अम्मा माफ़ कर दे मनाने, अल्लाह अल्लाह। मैं क्या कह रही हूँ, माफ़ कर दे मनाने बेचारे। तुम मेरे को तुम पे कौन सा आ रहा है? एक मिनट फोटोग्राफर बन गई सारे गाइस, मैं व्लॉग क्यों बना रही क्योंकि पूरे नहीं आ रहे थे। एक मिनट, तुम पे गुस्सा आ रहा है कि तुम इस तरह का साथ दे रही हो? एक मिनट आगे की बात करें बाबा, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाथ मिला लो, अस्सलाम चलो इस सब अम्मा इस तरह की रोज लड़ाइयां करके आपको रोज पैसे मिला करें। नहीं मैं फिर साइड पर रहूंगा ना, फिर अमीर बन गया है मम्मा को लगा के आपको। जो व्लॉग होना था आपके साथ हो गया, अब आप रात में रोती भी आएंगी ठीक है फारिज के पास, और आपने रोते हुए आके उसको बोलना है कि ना तुम्हारे बाबा ने निकाह कर लिया। ए भाई मैं ये मजाक में भी नहीं बोल सकती यार, अम्मा कर लेना व्लॉग है। नहीं सॉरी, मेरे को ऐसा मजाक नहीं पसंद, ऐसा व्लॉग नहीं पसंद। ये करेंगे गाइस व्लॉग, करेंगे ना, करेंगे ना, रोती भी जाएंगी ना फारिज के पास। नहीं रियल में रोना है, तो अब ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। बाकी का व्लॉग ना जो फारिज वाली एक्टिंग है, मतलब मम्मा की जो एक्टिंग फारिज के सामने हुई, वो कल के व्लॉग में ही, क्योंकि आज का व्लॉग प्रैंक में इतना लंबा हो गया। बस करते तुम्हारे मैं मुंह तोड़ दूं, तो मजाक में भी नहीं बोले। बाकी प्रैंक कल आएगा, अब आप लोग कल का वेट करें। अल्लाह की कसम ये समझ रहे हैं दोनों बाप बेटी गले में कानों में राजदारी कर रहे हैं, मेरे लिए गोल की अंगूठी ले रहे। तो गाइस आई होप कि आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आएगा, तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेगा। आज का व्लॉग मतलब दिन में कुछ करने को इतनी एक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी नहीं थी, और पंखा बंद कर दो भाई। तो ये वाला सीन था, अब ये है कि ये व्लॉग एंड करी, इतनी एक्टिविटी नहीं थी, तो मैंने जो है बाबा के साथ प्लान किया था प्रैंक का, तो वो प्रैंक मैंने किया और बड़े मजे का प्रैंक किया, और आई होप कि आप लोग को भी पसंद आया होगा। अब आगे का जो प्रैंक है ना वो फारिज के साथ करेंगे, अब जब वो आ जाएगा, वो यहाँ आके अपना जब बिस्तर बिछाएगा ना तब करेंगे। मम्मा रोती भी आएंगी और बहुत सीरियस, और मैं भी सीरियस बैठी हुई होंगी, और मैं व्लॉग बना रही होंगी। या हम एक काम करेंगे, मोबाइल वापस अपनी जगह पे रख देंगे, हमें अच्छी मिल रही है। घड़ी हटाओ, मोबाइल लगाओ।